आप पर विश्वास जताया है, आप इस पर कितना खरा उतरेंगे सर? देखिए, झारखंड की जनता जो 25 साल से जो दंश झेल रही है, उस समझिए उस दंश को हम लोग क्लियर करने और यहाँ की जनता को विकास करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर पार्टी से उतरे हैं। क्योंकि यहाँ पर हाथी जिस तरह से उड़ाया जाता है, वो हाथी उड़ने वाला नहीं है, उड़ने वाला है अगर रांची में पूरे झारखंड में तो ये पतंग ही उड़ेगा। क्योंकि पतंग उड़ाया जाता है, हाथी नहीं उड़ता है, इसको जनता ध्यान में रखे। क्योंकि 25 साल से जिस प्रकार से यहाँ ना एक हॉस्पिटल, ना स्कूल, ना एक फ्लाईओवर, किसी भी प्रकार को यहाँ की जनता को कोई भी समस्या से निदान नहीं दिया गया है। मैं अगर जनता से ये वादा करता हूँ, अगर मैं सत्ता पे आया, विधायक बना, तो ये सबसे पहले इन सारे वादे पर मैं खरा उतरूंगा। क्या क्या मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच आज के बाद जाएंगे? सबसे पहला मुद्दा है स्वास्थ्य और शिक्षा। जनता आपसे क्या उम्मीद रखे? देखिए, जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर मैं जीता तो सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सबसे मेरा प्राथमिक उद्देश्य होगा काम करने का। कहा जाता है कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, फिर आपको इस तरह की विश्वास क्यों जताया गया? ये कहना लोगों की गलत है कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है। कोई कहता कि बीजेपी की बी टीम है। मैं ये साफ तौर से कह देना चाहता हूँ कि आज मजलिस ST SC OBC माइनॉरिटी सभी की पार्टी है, जो कि इसमें आप देखिएगा सभी तरह के लोग जुड़े हैं और जुड़ कर झारखंड को आगे बढ़ा रहे हैं और पतंग की तरह ऊंचाई तक उड़ा रहे हैं। आप अपने समर्थकों को या आमजन को आज के बाद क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं झारखंड की जनता, खासकर रांची की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है झारखंड और रांची के बदलने का। आप लोग निश्चित रहें, झारखंड बदलेगी और विकास की ओर बढ़ेगी। बड़ी पार्टियाँ हैं, उसको आप कैसे चुनौती के तौर पर लेते हैं? बड़ी पार्टियाँ एक तरफ है और ओबीसी असलुद्दीन ओबीसी की पार्टी एक तरफ है। मैं ये वादा दिलाता हूँ कि पूरे झारखंड में 10 से 12 सीट हम जीत रहे हैं और आने वाले 2024 में फुल मेजोरिटी में हम लोग रहेंगे।